ओके स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि हमने प्लांट टिश्यूज में सिंपल टिश्यूज़ को डिस्कस कर लिया है मेरी टिश्यूज़ को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में आज हमने परमानेंट टिश्यूज की टू टाइप्स डिस्कस किए हैं ग्राउंड टिश्यूज और स्पोर्ट टिश्यूज हमने अब जो नेक्स्ट टाइप डिस्कस करनी है प्लांट टिश्यूज की वो कंपाउंड टिश्यूज़ हैं इनको हम कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं कंपाउंड टिश्यूज की फर्दर टू इसकी टाइप्स हैं जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोइम टिश्यूज़ बच्चे जयलम टिश्यूज एंड फ्लोयम टिश्यूज जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं वेस्कुलर प्लांट्स मतलब कि जो कि जिनकी हाइट ज्यादा होती है हायर वेस्कुलर प्लांट्स जैसे कि यूक्लिप्टस हो गया ये जो हर्ब्स होती हैं जड़ी बूटियां या मिंट्स वगैरह उनमें ये नहीं होते क्योंकि वो नॉन वेस्कुलर हैं तो ये जिन जिन, जिन प्लाट्स की हाइट ज्यादा होती है वहां पे मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करवाना जैसे कि वाटर और फूड को कंडक्ट करवाने के लिए हमें इन टिश्यूज की जरूरत पड़ती है जायलम टिश्यू एंड फ्लोयम टिशू की बच्चे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू जाइलम टिश्यू जो है एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाता है प्लांट की बॉडी में अब हम यहाँ पे देखते हैं कैसे ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाता है ये आपको प्लांट नजर आ रहा होगा इसके स्टेम में ये दोनों ट्यूब्स होती हैं जाइलम ट्यूब एंड फ्लोएम ट्यूब जाइलम का बच्चे ये काम है कि ये रूट्स जो वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं सॉयल से रूट्स uh, और सर्टेन uh, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सक करेंगी और रूट से फर्दर कैरी करके जाता है वाटर जाइलम में और जाइलम ट्यूब उसको कंडक्ट करके लेके जाती है टू द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स एरियल मीन्स की अपर पार्ट ऑफ प्लांट्स में वाटर को कंडक्ट करके लेके जाया जाएगा ओके ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन इसमें भी ये केमिकल कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होता है लिग्न uh, की वजह से इनकी जो सेकेंडरी वॉल होती है वो थिक और रिजिड होती है दैट इज बाय जाइलम टिश्यू ऑल्सो प्रोवाइड द स्पोर्ट टू प्लांट्स इस वजह से जाइलम टिश्यू जो है वो प्लांट्स को सपोर्ट भी करता है टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन दाइलम टिश्यू ये टू टाइप है सेल्स की जो कि पाई जाती है आपको पता है कि सेल्स ही कम्बाइन करके टिश्यूज बनाते हैं तो वो टू टाइप है वेजल एलिमेंट एंड ट्रेकाइट वेजल एलिमेंट आर सेल्स हैव द थिक सेकेंडरी सेल वाल्स इनकी ये मैंने आपको वेजल एलिमेंट्स यहां पर दिखाए हैं इनकी सेकेंडरी वाल थिक होती है एंड दे लैग द एंड वॉल्स और इनकी एंड वॉल्स नहीं होती वो इनमें एबसेंट होती है ये आप उसमें ज्वाइन करते हैं और लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं ओके okay? सेकेंड वन इज द ट्रेकाइड्स ट्रेकाइड्स जो है ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये सिलेंडरिकल सेल्स होते हैं इनकी सिलेंडर की तरह की शेप होती है विद द ओवरलैपिंग एंड्स और इनके एंड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं ओके नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ द कंप्लेक्स टिश्यू इज द फ्लोइंग टिश्यू वट इज द रोल ऑफ फ्लोइंग टिश्यू इन द प्लांट्स बच्चे फ्लोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर ये फूड को कंडक्ट करवाते हैं और आपको पता है प्लांट्स में फूड लीव्स में प्रिपेयर होती है तो ये लीव से प्लांट की पूरी बॉडी तक फूड को पहुंचाना कंडक्ट कौन करवाता है फ्लोइम टिश्यूज करवाते हैं ठीक है बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी तो ये प्लांट बॉडी में डिफरेंट पार्ट तक फूड को कैरी करते हैं फ्लोइंग टिश्यूज कंटेन्स दीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स इसमें भी टू टाइप के सेल्स एग्जिस्ट करते हैं अब इनका क्या फंक्शन है सीव ट्यूब सेल्स आर लॉन्ग जैसे कि आपको ये नजर आ रहे हैं ये सीव ट्यूब सेल्स हैं जो, जो मैंने सेंट्रल बनाए हैं ये लॉन्ग होते हैं एंड देयर एंड वॉल्स हैव स्मॉल वाल्स और इनके अंदर जो है वो कुछ पोर्स भी एग्जिस्ट होते हैं पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं मैनी सीव ट्यूब सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग सीव ट्यूब बहुत से सेल्स जो है वो सीव ट्यूब के वो कंबाइन करके एक लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं दूसरी टाइप जो हमने पढ़नी है वो कंपेनियन सेल्स हैं कंपेनियन जैसे कि आपको पता होगा uh, फ्रेंड्स को भी कंपेनियन कहते हैं जो साथी होता है उसको कंपेनियन कहते हैं तो सीव ट्यूब सेल्स के साथ जो सेल्स हैं उनको उनके फंक्शन के बेस पे हमने कंपेनियन सेल्स कहा है ठीक है अब कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं दे एक्चुअली मेक द प्रोटीन्स ये प्रोटीन बनाते हैं फॉर द सीव ट्यूब सेल्स ओके तो ये इनका क्या रोल है कि ये सीव ट्यूब सेल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीन बनाते हैं फॉर द सीव ट्यूब सेल्स ओके इसमें कंपाउंड टिश्यूज में हमने जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज uh, का रोल देखा है हमने कहा कि ये वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं जाइलम जो है वो वाटर को कंडक्ट करती है रूट से अपर पार्ट ऑफ प्लांट तक और फ्लोएम टिश्यू फूड को कंडक्ट करती है फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट ठीक है और इजाइलम टिश्यू प्लांट को सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि इनमें लिग्निन होता है और इनकी हमने फर्दर जो है वो सेल्स की टाइप्स डिस्कस की हैं स्टूडेंट्स नाउ नोट योर डायरी